आई गेस इट्स समवेयर नियर बाय. ये पीछे भी कॉल हो रही है, आगे भी कॉल हो रही है, और दोनों अलग डायरेक्शन में कॉल हो रही है. टाइगर देखना चाहिए पास में ये कॉल. दैट्स द टाइगर. आज टाइगर मिलने के चांसेस काफी हाई थे. एक तरफ फीमेल टाइगर ने गौर का किल कर लिया था और दूसरी तरफ मेल टाइगर 2 दिन से ग्रासलैंड में किल करने की पूरी कोशिश में था. इट्स मॉर्निंग 6 o'clock एंड हाई चांसेस आर जहाँ पे कल थे टाइगर वहीं पे मिले, क्योंकि ऐसा होता है बीइंग टाइगर बीइंग इन टेरिटोरियल एनिमल, आसपास के एरिया में ही चांसेस बढ़ जाते हैं उसके, तो सीधा वहीं जाएंगे जहाँ पे कल उसको छोड़ा था. एक बार वहाँ चेक करेंगे, फिर किल पे चेक करेंगे, फिर देखते हैं. तो हमने ग्रासलैंड में चेक करने के बाद सीधे गाड़ी किल की तरफ बढ़ा ली. सर्दियों में टाइगर मूवमेंट के चांसेस थोड़ा लेट यानी सनराइज के बाद ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो सनराइज तक हम फीमेल के एरिया में पहुंच गए थे. सो ये वही जगह है जहाँ पे कल टाइगर ने किल किया था, और चांसेस आर के क्योंकि बहुत बड़ा किल है और गौर का किल है, तो कम से कम 3 से 4 दिन तो टाइगर उसको खाएगी बहुत ईजिली, और इसी एरिया के अंदर हाई चांसेस है कि उसकी बार बार साइटिंग हो, तो वापस हम उसी एरिया को चेक करने आए जहाँ पे किल है. रोड पे राउंड मारेंगे, टाइगर हो सकता है निकला हो घूमने ना. वहां पहुंचते ही हमें लंगूर और चीतल दोनों के कॉल सुनाई देने लगे, जिसके ठीक आगे गौर का एक बड़ा हर्ड था. इतनी देर में बाकी जिप्सी वालों से पता चला एक मेल टाइगर का मूवमेंट भी उसी एरिया में था जहां चीतल और लंगूर के कॉल सुनाई दिए थे. तो फिर मतलब मेल आ गया है यहाँ पे, और ये पंजे अपन ने देखे वो वहाँ तक गई थी बस, मतलब आ चुके हैं दोनों इधर ही कहीं. को ऐसे घूम के फिर वापस पहुँचना चाहिए, जल्दी पहुँचेगा. हाँ, जहाँ से हमने ऐसे टर्न लिया और वो पंजे देखने के लिए जा रहे थे वो टर्न तक उधर से चल के आ गया वो मेल. हाँ, उसको अंदर अंदर आने में कितना टाइम लगेगा उस जहाँ से हमें दिखा? वो पंजे जहाँ से हैं 2 मिनट का रहेगा सर, वो कल फीमेल क्रॉस नहीं की उधर तक पंजे हैं. एक काम करना चाहिए हमें, इस रोड के पीछे से चेक करना चाहिए. ये जो सामने वाली रोड है ना पानी वाली, इसी रोड में जाकर के बैक वाली चेक करना चाहिए, कभी वो दोनों साथ हो. हाँ, गौर से इधर को जाकर के, क्योंकि टाइगर अगर वहाँ से निकल गया होता तो अब तक किल पे मिलना चाहिए था टाइगर को. लोग किल के पास खड़े थे, पर किल के पास कोई मूवमेंट नहीं है. फिर मैं दूसरे कॉर्नर से सामने का कॉल आया, आते वक्त हमें दिखाया कि पूरे रोड पे पंजे पंजे आगे पीछे आने के जाने के, तो मोस्ट प्रोबेबली टाइगर्स गाड़ी निकलने के बाद निकले, पर टाइगर्स यहीं कहीं इसी एरिया में, तो आई थिंक यहाँ पे वेट करेंगे फिर देखते हैं. अगर वो दोनों होते तो फिर आ जाते किल पे ना. नहीं, वो मेल तो तुरंत पहुँचता किल पे. मैं बता रहा हूँ कि मैं शेयर नहीं करता किल, पहले खाएगा फिर जब हटेगा फिर फीमेल या बच्चे जो भी खाने हो तब कम ही चांस होता है. अगर हो सकता है कि फीमेल उसको लाए नहीं ना किल पे अपने, क्यों पर अभी तक तो शेयर कर रहे हैं दोनों, पर हो सकता है कि ना करें क्योंकि बिहेवियर तो बदलता ही है ना. हो सकता है कि फिर अगर मेल आए तो उसको खाने नहीं दे या शेयर ना करें उसके साथ. क्रॉस नहीं करेगा तो इस किनार से निकल के आएगा तो अपने को इधर से रूट तो मिलेगा वहीं तक. तो पीछे खड़े होते हैं फिर. हाँ, पर देखना चाहिए पास में एक और कॉल जाना भी लगा डायरेक्शंस. टाइगर इज समवेयर नियर बाय. ये पीछे भी कॉल हो रही है, आगे भी कॉल हो रही है, और दोनों अलग डायरेक्शन में कॉल हो रही है. चांसेस ये है कि इधर से मेल आ रहा है, उधर से फीमेल आ रही है. साइंस के हिसाब से टाइगर्स किल के आसपास ही होने चाहिए थे,
और 4 घंटे तक हमने टाइगर्स को किल के आसपास ही ट्रैक किया, पर फिर अविनाश भाई को ग्रासलैंड से एक कॉल आया जिससे पता चला कि वो मेल टाइगर जिसे हम किल के आसपास ढूंढ रहे थे वो अभी भी ग्रासलैंड में ही है। बाय द टाइम हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, न्यूज़ आई है कि जो मेल टाइगर है वो उसी जगह पे दिखा है जहाँ पे कल दिखा था। अब कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे जिन 2 टाइगर्स का मूवमेंट था उसमें से दूसरा टाइगर कौन है, क्योंकि एक तो जो है वो इसी मेल टाइगर की सिबलिंग है जिसने किल मारा था, एक तो दूसरा टाइगर कौन है ये नहीं पता, दूसरा वो मेल टाइगर जो है उसका क्या स्टेटस है ये नहीं पता एग्जैक्टली। तो अभी उसको चेक करने के लिए जा रहे हैं, चांसेस आर कि वो थोड़ा सा बाहर आ जाए जैसी धूप बढ़े, क्योंकि ओपन ग्रासलैंड में है। दैट्स द टाइगर, दैट्स द मेल जिसको कल छोड़ा था, यहीं छोड़ा था ग्रासलैंड में, वो यहीं पर है। वो पूरा जंगल हम घूम के आ गए इसको ढूंढने के चक्कर में कि हमें अलग अलग जगह पग मार्क्स मिले, पर ये अभी तक यहीं बैठे। अब किल के आसपास किस टाइगर के पग मार्क्स थे, वो कब आया कब गया, फीमेल आई या नहीं आई, इन सवालों के जवाब तो कभी नहीं मिल पाएंगे। पर आप ये मज़ेदार कहानी सुनिए, ये है इस मेल टाइगर के पिताजी के बारे में जिन्हें लोग यहाँ रावण या आरवन बुलाते हैं। जैसे कल वो टाइगर चल रहा था ना अपने पास में, हाँ। इतना अगर गाड़ी ऐसे पास में रही तो वो आगे नहीं जाएगा, लौट के जो गाड़ी पीछे चल रही उसके तरफ चलने लगेगा दांत दिखा के, ऐसा टाइगर। हाँ मैम, ऐसा ही है। और अभी भी दिखता है वो? अभी दिखता है मैम, कम साइटिंग हो रही, बफर में मिलता है अभी। ओहो भाई बहुत ही बड़ा है ये जो है ना मैम। एक बार हमको कल अपन जहाँ मतलब शुरू हुआ टाइगर देखे ना, उधर से मतलब भूटान से हम गए बाबा पानी उसके पंजे मतलब चेक करते हुए। अब चेक करते करते जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, एक जगह पंजे ख़त्म हो गए। अब हमने कहा ये जिसकी आदत तो है छिपने की, हमने कहा इधर ही कहीं छुपा होगा। तो लगभग इतने मोटे मतलब पेड़ में, पेड़ के पीछे ऐसा सर छुपा लिया, सर छुपा है, सारा कीला छुपा है, पूरी बॉडी दिख रही है। हाँ पूरी बॉडी दिख रही है, पूरी बॉडी दिख रही है, पता है मैम। हम सब लोग खड़े हो गए अचानक, हमने कहा खड़े रहो ये निकलेगा बाहर। पता लगा कि वो है ना ऐसे पूरा छुपा के रखा है सिर, और अचानक से धीरे से ऐसा निकला, अभी गाड़ी है, फिर सीधा खड़ा हो गया। कुछ देर बाद फिर देखा अरे यार गाड़ी है, फिर वो धीरे से निकल के और गुर्राते हुए फिर रोड पे आके चलने लगा। डन विद द लास्ट सफारी ऑफ सतपुड़ा ATR के लिए। एंड सतपुड़ा बहुत बढ़िया रहा हमारा लास्ट 3 दिन, मतलब उम्मीद से बहुत अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टाइगर ट्रैकिंग ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ साइटिंग्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ द इंटायर एक्सपीरियंस ऑल्सो। अब यहाँ से जाने वाले हम पन्ना, और पन्ना यहाँ से करीब 7 घंटे की ड्राइव है। सो रिवर क्रॉस करने के बाद सामान वामान ले करके निकलते हैं फटाफट पन्ना, क्योंकि रास्ते में मुझे एडिट करना है वीडियो भी। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। कैसा लग रहा है कपड़े धोके? लाइफ में पहली बार ऐसा धो रहा हूँ। लाइफ में पहली बार ही धोई, पहले भी बहुत बार धोए। कपड़े धोने की नई रेसिपी है।